अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे डिजिटल और मैं हूं आपकी मेज़बान आमना ताहिर। नाज़रीन, ब्राज़ील में एक ऐसा वाक़या पेश आया है जिसमें एक खातून ने अपने बाप के कातिल को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी। ये वाक़या क्या है वो आज हम आपको अपने इस वीलॉग में बताने लगे हैं। ब्राज़ील का ये वाक़या है 1999 का, जब एक शख्स जो ब्राज़ील के शहर में रहता था वो 150 ब्राज़ीलियन का कर्ज़दार था, और जब वो अपने शराब खाने पर गया वहाँ पर किसी के साथ मुँह मारी हुई, झगड़ा हुआ, जिसके उसने पैसे वापस करने थे, उसके साथ उसकी काफ़ी तल्ख कलामी हो गई, जिस पर कातिल ने जाकर गाड़ी से पिस्तौल निकाला और लाकर उस औरत के वालिद के सर में मार दिया, यानी कि उसको कत्ल कर दिया, गोली मार दी उसके सर में और वो वहीं पर ही अपना दम तोड़ गया। उस खातून ने अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे वक्फ़ की कि उसने अपने बाप के कातिल को पकड़ने के लिए कानून की तालीम हासिल की। उस वक्त 1999 में वो सिर्फ 9 साल की थी और उसने अपने बाप के कातिल को पकड़ने का जो अहद था उसको कभी भी नहीं छोड़ा, और अपने बाप के कातिल को पकड़ने के लिए उसने अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत करती रही, पुलिस अहलकार बनी और उसके बाद उसने अपने बाप के कातिल को पकड़ने की कोशिश की। कोशिश इतनी उसने की कि आखिरकार वो उस कातिल को पकड़ने में कामयाब हो गई। ब्राज़ील के शहर में ये वाक़या हुआ, 25 साल तक इस वाक़े की तह तक कोई ना पहुंच सका, कातिल को पकड़ा ना जा सका, लेकिन खातून ने जिसका वालिद कत्ल हुआ था उसने उस कातिल को पकड़ने के लिए इतनी मेहनत की कि पहले वो स्कूल की तालीम उसने हासिल की, 9 साल की उम्र थी उसकी, और उसने जब पता चला कि उसके बाप को नाइंसाफ़ी करके कत्ल किया गया है तो उसने कानून की तालीम हासिल की और बाकायदा पुलिस की उसने तालीम आगे से ली, उसके लिए उसने मेहनत की, उसके लिए उसने अपनी पूरी ज़िंदगी सर्फ की, और बाद में जब वो पुलिस अहलकार बन गई तो उसने वो फाइल्स निकाली अपने बाप के केस को दोबारा से उसने खोला और उस कातिल तक पहुंचने की उसने तमाम तर कोशिश कर ली और बिलाखिर उस कातिल को पकड़ कर उसको सज़ा देने में कामयाब हो गई। यह है जो उसने अपने आप से किया, वो उसने अपने वालिद के लिए किया, वालिद की मोहब्बत में किया, वालिद के लिए किया कि उसके बाप को नाइंसाफ़ी से जो कत्ल किया गया था उसके लिए उसने ये मेहनत की। लेकिन सोसाइटी में ये देखा जाता है कि लोग इतना तवील अरसा इंतज़ार नहीं करते हैं। अगर आज नाइंसाफ़ी से ये माशरे में आम हो गया है कि कत्ल कर दिया जाए, किसी का भी खून बहा दिया जाए, तो ये बहुत आम है, लेकिन लोग इसके लिए कभी भी कानून का दरवाज़ा नहीं खटखटाते और ना ही कटहरे में उनको लाने की कोशिश करते हैं, बल्कि ख़ुद ही वो उसी वक्त ये कदम उठाते हैं कि हम भी जाकर अगले शख्स को कत्ल कर दें, हम भी जाकर बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर ये वजूहात जाने कि किस लिए कत्ल किया गया है या क्या वजह बनी है, वो जाकर कत्ल कर देते हैं, और ये एक सिलसिला चलता जा रहा है। तरीके से नहीं इसके साथ निपटा जाता, जैसे कि वो खातून उसने कानून की पहले पूरी तालीम हासिल की है, अपने आप को इस काबिल बनाया है कि वो बाकायदा किसी ओहदे पर पहुँच कर उस कातिल तक पहुँचे, लेकिन माशरे में ऐसा कुछ नहीं होता। माशरे में जिसकी लाठी उसकी भैंस, आपके पास अगर इतनी ताकत है कि आप बड़े बड़े किसी भी ओहदे पर बैठे हुए हैं, आप ये नहीं सोचते कि किसको कब कत्ल किया जाए, कब किसका खून बहाया जाए, बल्कि आप बग़ैर सोचे समझे किसी भी जान को ज़ाया करने में कामयाब हो जाते हैं, और यही हमारे माशरे का अलमिया है। लोग सही रास्ते को छोड़कर गलत रास्ते पर चलते हैं और किसी का भी खून बहाने में कहीं पर भी नहीं सोचते, इस बारे में ज़रा सा भी नहीं सोचते कि उसके पीछे उसकी पूरी फैमिली है, उसकी फैमिली पे क्या असर पड़ सकता है, उसकी औलाद पे, उसकी बेटियों पे, उसके बेटों पे क्या असर पड़ सकता है, और इसी तरह ये सिलसिला ख़ानदानों तक चलता चला जाता है। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।